हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग के सामने खड़ा हुआ है ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 164V वर्सेस अपाचे RTR 204V, दोनों खड़ी हुई है। दोनों बाद में आपको कंपेरिजन करके देने वाला हूँ। आई होप दोस्तों, ये जो वीडियो आपकी इतने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप डिटेल में देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है 164V भी एक प्रीमियम बाइक है, लेकिन भाई 200 है। हालांकि दोनों में ज़्यादा प्राइस डिफरेंस अब बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आता था पहले, बट कंपनी ने 160 में इतने सारे फीचर दे दिए कि भाई मतलब दोनों में ना सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क बचा है, सिर्फ और सिर्फ पावर। उसके अलावा कोई भी फ़र्क आपको दोनों बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों, दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट कंपेरिजन करने वाला हूँ। एंड आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन पर आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस डिफरेंस के बारे में, इन्होंने आपको क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए, आपको मैं बता दूँ, दोनों पर बाइक में आपको वेरियंट भी मिलते हैं। 160 में भी आपको 3-4 वेरियंट मिलते हैं, 200 में भी आपको वेरियंट मिलता है, डुअल चैनल ईबीएस और सिंगल चैनल ईबीएस का। बट आपके सामने अभी जो खरीद दोस्तों, वो दोनों टॉप मॉडल है। अगर आप 200 के साथ में जाएंगे तो आपको एक्सट्रा प्राइस आ रही है लगभग 1,46,000, 1,46,000 के आसपास की एक्सट्रा प्राइस आएगी। और अगर दोस्तों आप 160 के बारे में बात करें, तो ये डुअल चैनल ईबीएस वाली लेटेस्ट मॉडल है, ये आपको एक्सट्रा प्राइस आ रही है लगभग 1,37,000, 1,37,000 के आसपास की आपको ये एक्सट्रा प्राइस देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप दोनों का कंपेरिजन करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राइस डिफरेंस मिला अराउंड 9,000 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का। उसके अलावा कोई भी प्राइस डिफरेंस आपको दोनों में नहीं मिलता। चलिए कंपैरिजन में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों की लाइट दिखाता हूँ, मैं ऑन करता हूँ फ्रंट से। जैसे मैं फ्रंट से लाइट ऑन करूँगा, आप देख पा रहे दोनों में आपको फ्रंट में LED जो DRL लाइट है वो सबसे पहले देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी LED DRL लाइट है, और यहाँ पर भी आपको LED DRL लाइट मिलती है। मेन लाइट में दोस्तों, दोनों बाइक में आपको फुली LED लाइट मिलती है, सेम लाइट है। पहले मैं आपको 160 की दिखाता हूँ, बिकेसी यहाँ पे आपको फुली LED जो लाइट है वो आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूँ 200 के बारे में, तो 200 में भी सेम आपको LED जो डियर लाइट है वो आपको देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लाइट की इल्यूमिनेशन विजिबिलिटी आपको दोनों में बहुत अच्छी मिलेगी। तो 10 सिंगल लैंप है दोस्तों, वो आपको दोनों में बल्ब देखने को मिलते हैं, सेम मिलेंगे। इसमें भी बल्ब है और इसमें भी आपको बल्ब मिल जाता है, तो 10 सिंगल लैंप में कोई फ़र्क नहीं है। बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, दोस्तों आपको बता दो कि 4WD में आप लोग थोड़ा सा सस्पेंशन मिलने का, आपको टेलीस्कोपिक मिलता है। और दोस्तों, सुबह के सस्पेंशन मेंशन कर रही आपको बहुत सिंपल मिले, तो इसमें भी आपको सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलेंगे। बट दोस्तों, 160 में शुअर के नहीं आते, इसमें शुअर क्या, उसके सस्पेंशन थोड़े से प्रीमियम है, ऐसा 200 थोड़े प्रीमियम मिलते हैं, और इसमें आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिले। बात करें टायर साइज के बारे में, 160 में अभी 90-90 के टायर साइज आते हैं, अब 200 में भी आपको 90-90 के टायर साइज देखने को मिलते हैं। बट एक चीज़ फ़र्क है इसमें भाई, TVS के कुछ प्रीमियम टायर आते हैं। ये TVS है या नहीं है, ये भी TVS है, बट इसकी आप वो देखो ग्रिपिंग देखो, बट उसकी जो ग्रिपिंग है वो डिज़ाइन अलग है, मतलब उसकी थोड़ी ज़्यादा बेहतर में उठाएंगे। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, अब दोस्तों ब्रेकिंग में आपको दोनों बाइक में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जी दोस्तों TVS है। अब आपको दोनों बाइक में पैरेलली डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर बात करें ब्रेक साइज के बारे में, दोनों में आपको लगभग दोस्तों जो ब्रेक साइज मिलती है वो मिलती है लगभग 297 के आसपास की जो प्लेट साइज है वो आपको ऑलमोस्ट दोनों बाइक में देखने को मिल जाती है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करनी है दोनों के इंजन टाइप के बारे में। इंजन टाइप दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बस सीसी का फ़र्क है। 160 में 159.7 सीसी का SI पोर स्टोक ऑयल कूल्ड SOSC सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा। 200 में आपको 197.75 सीसी का SI पोर स्टोक ऑयल कूल्ड FI इंजन देखने को मिलता है। मतलब टाइप्स दोनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सीसी में फ़र्क देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों 160 मैक्सिमम पावर में लगभग 17.55 का PS पावर जनरेट करती है, एंड 14.73 के आसपास का टॉर्क आपको मिलेगा 160 में। अगर मैं 200 के बारे में बात करूँ, तो 200 में आपको 20.82 का PS पावर मिलता है, एंड 17.25 का आपका जो टॉर्क है आपको 200 में देखने को मिल जाता है। मतलब पावर एंड टॉर्क में अगर आप डिफरेंस देखें, तो जाहिर सी बात है 200 cc तो ज़्यादा आपको पावरफुल इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों में आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, आप देख पा रहे छोटा सा रेडिएटर यहाँ भी यूज़ किया गया, छोटा सा रेडिएटर यहाँ भी यूज़ किया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ, 160 की बोथ साइज 62 mm की, 200 की 66 mm, 200 की स्टोक साइज 57.8 mm की, 160 के लगभग 52.9 mm की। एक फ़र्क है, 200 में आपको स्लीपर क्लास भी मिल पाया, बट 160 में आपको स्लीपर क्लास नहीं मिलता, तो एक मेजर फ़र्क मिलेगा। बाकी दोनों 4WD इंजन है, दोनों में आपको 820 जो नॉर्म्स है वो आपको मिल जाता है।
तो ये दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बात करें दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज एंड परफॉर्मेंस में आपको मैं बता दूँ कि 160 का जो माइलेज है लगभग 40 के आसपास का आपको मिल जाएगा, एंड 200 का जो माइलेज है वो आपको मिलेगा लगभग 35 के आसपास का, ठीक। और 160 की टॉप स्पीड है लगभग 120 किलोमीटर पर आवर, 200 की लगभग 130 to 140 किलोमीटर पर आवर, और 0-100 में 200 को लगभग लगते हैं ऑलमोस्ट 12 सेकेंड, 160 को लगते हैं ऑलमोस्ट 14 सेकेंड के आसपास के आपको लगते हैं। अब आते हैं दोस्तों रियर प्रोफाइल में। देखिए टेल लाइट में आपको दोनों में एनएडी टेल लाइट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अभी आप 160 की देख पा रहे हैं कि 200 की है। रियर में 200 में आपको 130-70 के टायर मिलेंगे, इसमें भी आपको 130-70 मिलते हैं, बट ग्रिपिंग का थोड़ा सा फर्क है। रियर में इसमें 220mm की डिस्क रेट मिलती है, किस पे 160 में, और 200 में आपको 240mm की ब्रेक मिलती है। रियर में आपको दोनों में मोटोसोक सस्पेंशन मिलेंगे, 200 के या 160 के, ठीक। फुटेज क्वालिटी दोनों अच्छी मिलती है, कि 200 का एग्जॉस्ट है, आपको 160 का एग्जॉस्ट मिलेगा। सीट में दोस्तों दोनों में आपको सीट में फ़र्क है। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है, 1:2 पार्ट में सीट दिया कंपनी ने, इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाता है। तो सीट में भी आपको थोड़ा सा फ़र्क है, आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। बाकी आप कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको किसकी सीट ज़्यादा अच्छी लगती है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, दोस्तों स्पीडोमीटर में दोनों बाइक में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी आपको फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा कंपेरिजन करके बता देता हूँ, ठीक। जैसे मैं ऑन करूँगा इनके फुली डिजिटल मीटर अपने यहाँ पे मिल रहा है, मैं इसे ऑन करूँ तो यहाँ पे भी आपको फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है। मतलब दोनों के स्पीडोमीटर पे कोई फ़र्क नहीं, इवन फीचर भी आपको सेम मिलेंगे। तो आपको किसी एक का दिखा देता हूँ, आपको 200 का दिखाता हूँ। 200 में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले डेकोमीटर है, जिसे आरपीमीटर कहते हैं। यहाँ पे आपको ब्लॉक हेडफोन मिल जाता है, यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर मिलेगा, एक गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, दो स्विचेस है, आप चेंज करते देख सकते हैं, जैसे ट्रिप पॉइंट, ट्रिप बी, एवरेज स्पीड, नेक्स्ट सर्विस, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। ये मोड का स्विच है, ठीक। जिससे आपको नंबर ऑफ थ्री मोड्स मिलेंगे, इधर है स्विच, देन अर्बन एंड स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ थ्री मोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। स्विचेस में पास स्विच, टर्न सिग्नल लैंप, इन्फो हॉर्न, इन्वेंटिल स्विच, मोड का स्विच, एक नाइट का स्विच, प्लस एक सेल्फ का स्विच आपको बाइक का देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कंपेरिजन आपको दोनों बाइक का अवेलेबल नहीं मिले ना। अब जहर सी बात है दोस्तों, दोनों बाइक जो है बहुत ज़्यादा बेहतर मिल रही है आपको। बट बाइक में आपको जो है ये मतलब मेरे हिसाब से दोनों बाइक बहुत अच्छी है, और दोनों बाइक में कोई ज़्यादा कंपेरिजन आप नहीं कर सकते। दोनों बाइक में सिर्फ उसकी जो फाइव डिफरेंस है वो भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको दोनों बाइक में कौन सा था डिफरेंस देखने को मिला।